नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको नहीं पता होगी। हम बताने जा रहे हैं आपको बैंक आधार के बारे में, बैंक्स के बारे में और आधार कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि बैंक से आधार कार्ड को लिंक करवाना बिल्कुल कंपलसरी हो गया, लेकिन अब हम आपको बता दें कि अगर आप आपका अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक में, तो भी आपको आधार कार्ड वहां पर लिंक करवाना होगा। आधार कार्ड लिंक करवाने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकेगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। कम्युनिटी टैब आ चुकी है हमारे चैनल पे, आप हमसे कम्युनिटी टैब के भी थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 31 दिसंबर तक आपका आधार लिंक नहीं करवाया तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार सभी बैंक उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक बैंक खाते से आधार नंबर बैंक में जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने के बाद 31 दिसंबर के बाद बैंक ऐसे खातों को फ्रीज कर सकता है, और बिल्कुल पूरी आशंका है कि फ्रीज खातों को रिजर्व बैंक और आयकर विभाग की अनुमति के बिना दोबारा एक्टिव कराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सभी ग्राहक या सभी उपभोक्ताओं के लिए यही बेहतर होगा कि वो 31 दिसंबर से पहले अपना बैंक खाता लिंक करवा लें। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो नोटबंदी के बाद से जनधन खातों पर विशेष नजर रखी जा रही है। दरअसल साल 2014 के बाद से जीरो बैलेंस पर बहुत सारी जगह पर हजारों लोगों के जनधन खाते खोले गए, लेकिन अगले साल तक इन खातों में कोई भी लेन देन नहीं हुआ। और जब नोटबंदी की घोषणा हुई तो उसके बाद एकाएक इन खातों में धड़ाधड़ पैसे जमा होने लगे, जिसके बाद आयकर विभाग की नजर जनधन खातों पर पड़ी। अगर हम बहुत सारी बैंकों के आंकड़ों की माने तो पुराने नोटों की शक्ल में करीब हजारों करोड़ रुपए की धनराशि बैंकों में जमा हुई, जनधन खातों में। ठीक है, बहुत सारे खातों में करोड़ों रुपए जमा हुए। सूत्रों की माने तो जल्दी ही विभिन्न बैंकों की शाखाओं में आधार कार्ड जैसे कि आप सबको पता है बनाए जा रहे हैं, है ना, और इसके बाद सभी खाता धारकों का बैंक में आधार कार्ड लिंक होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो बैंक वाले ही उनके आधार कार्ड बनाकर खाते से लिंक कर रहे हैं। पहले KYC खाता बंद करने के लिए लिया जाता था, लेकिन अब KYC में भी आधार नंबर मांगा जा रहा है, जिससे कि खाता बंद करने से पहले उसे लिंक किया जा सके। इससे बंद होने वाले खाते में पुरानी ट्रांजेक्शन की जानकारी भी मिल सकेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं। हमारे कम्युनिटी टैब पर भी आकर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।